वाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ। जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सा ठाकुर अवर ना देवा। यह भाव इंसान के मन में तब बनते हैं जब उसकी प्रीत, उसका प्रेम उस अकाल पुरख परवरदिगार के साथ अटूट हो जाए, एक हो जाए, उसके साथ नाता जुड़ जाए, संबंध जुड़ जाए। फिर हर किसी के अंदर वो उस अकाल पुरख को ही देखता है, क्योंकि जब तक हमारे मन में ही वो प्रभु ईश्वर वाहेगुरु अल्लाह नहीं है तो सामने वाले के अंदर हमें कैसे नजर आएगा या सामने वाले में कैसे नजर आएगा। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, साची प्रीत तुम स्यों जोड़ी, तुम स्यों जोर अवर संग तोड़ी। कहने का भाव है कि जब हम खुद से जुड़ जाते हैं और अपनी प्रीत जो हमारे भीतर वो परमपार दयालु प्रभु जो बैठा है हमारे तख्त पे मन के, उससे लग जाती है तो सामने वाले में भी हमें सहज ही उसके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सतगुरु साहब फरमाते हैं कि जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, कि हम हर कहीं जहां भी हमें मौका मिलता है, हमारी ड्यूटीज जहां जहां हैं, जहां हम सेवाएं दे रहे होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई व्यापारी है, कोई मेहनत मजदूरी करता है, कोई कलाकार है, जहां भी वो है, कोई ऊंचे ओहदे पर बैठा है, कोई प्रशासक है, जहां कहीं भी बैठा है वो, अगर उसके मन में प्रीत है, प्रेम है, दया है, करुणा है, तो सेवा को सही से निभा सकता है और अपने कर्तव्य को सेवा समझकर अगर वो करता है, अधिकार समझ के नहीं, तो वास्तव में सच्ची सेवा बंदगी यही है कि हम निस्वार्थ भाव से परमार्थ रूप में सेवा करें। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जहाँ जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे बस तुम ही नजर आते हो, मैं तुमको ही समझकर जानकर लोगों की सेवा करता हूँ, मुझे हर किसी में तुम ही नजर आते हो, क्योंकि प्रीत सच्ची हो तो फिर क्यों नजर नहीं आते, आते हैं। क्योंकि फिर सत्संग जी, जब हम घर में होते हैं या बाहर होते हैं, अपने मित्रों यारों दोस्तों से मिलते हैं, अनजान लोगों से भी अगर हम मिलें तो वैसे ही मिलें जैसे अपने मित्रों से मिलते हैं, क्योंकि मित्रों से तो प्रीत होती है लेकिन अनजान लोगों से नहीं। सतगुरु साहब फरमाते हैं कि जैसे अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, अपने परिवार वालों से हम प्रेम रखते हैं, प्रीत रखते हैं और उनके साथ बर्ताव अच्छा करते हैं, वैसे ही अगर हमें अनजान लोगों से मिलना पड़ जाए, अनजान लोगों से जब हम मिलते हैं तो उनके प्रति भी हमारे मन में भाव वैसे ही हों जैसे अपनों के प्रति होते हैं, होंगे तब जब हम खुद से संवरे हों, सजे हों, खुद में प्रेम हो, प्रीत हो, तो दूसरे पर भी बरसती है, अन्यथा फिर सत्संग जी यह हो ही नहीं सकता कि हमारे मन में नफरत हो और हम किसी से प्रेम करें।
लेकिन अगर मन में प्रेम है तो दूसरे नफरत करने वाले को भी हम प्रेम में तब्दील कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सदगुरु रविदास महाराज जी हमें यही समझाते हैं कि जहाँ जहाँ भी आप ड्यूटीज पे खड़े हो, सेवा कर रहे हो, तो सेवा भाव मन में रख कर के ही सेवा करें। हर किसी के प्रति हमदर्दी रख कर के, करुणा रख के, दया रख कर के सेवा को अंजाम दें, तभी जा कर के उस परवरदिगार की हजूरी में हमारी सेवाएं कबूल होती हैं और उसकी प्रीत और प्रेम हम पर फिर खुल करके बरसता है। इको सोहं सतनाम 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 जी।